हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। जैसा कि सबको पता है कि आपके बीटीआर के जो सिलेबस में कुछ चेंजेज हुए हैं, जिसमें आपके इस साल की जो एग्जामिनेशन होगी उसमें आपको 30 मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन करने होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हों ग्रीन हाउस गैसेस, व्हेन डू ग्रीन हाउस गैसेस कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, व्हेन देयर कंसंट्रेशन इज एनहांस्ड, व्हेन देयर कंसंट्रेशन इज डिक्रीज्ड, व्हेन देयर आर नो ग्रीन हाउस गैसेस एंड व्हेन ग्रीन हाउस रिलीज इन बैलेंस्ड वे। देन आंसर इज, इसमें आंसर जैसा कि ये कहना चाह रहा है कि मतलब कब ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न बनेंगी, वो तब बनेंगी जब क्या होगा, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो एनहांस हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो इसमें एक इसका एक्सप्लेनेशन भी, इसमें आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं कि इसमें ऐसा क्यों कहा गया है कि इसका यही आंसर होगा। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि इसमें यह आंसर होगा ए, कि उसमें गैसेस क्या हो जाती है, एनहांस। तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि ग्रीन हाउस गैसेस कॉज ग्लोबल वार्मिंग विच इन द लॉन्ग रन थ्रेटन द एग्जिस्ट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। दिस इज द केस ओनली व्हेन देयर कंसंट्रेशन इज एनहांस्ड, बट दीज गैसेज आर ऑल्सो एसेंशियल टू सर्वाइव ऑन दिस प्लानट। ये गैसेज इस प्लानट पर सर्वाइव करने के लिए आवश्यक हैं, लेकिन उनकी जो एनहांसमेंट है, जो उनकी जो इन बढ़ती हुई जो रेशियो है, वो क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए नेसेसरी मतलब रिस्पॉन्सिबल होती है। दूसरा कहना चाह रहा है कि दूसरा सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हाउ मच परसेंटेज ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सन ऑफ द अर्थ, हाउ मच परसेंटेज ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सन टू अर्थ, अर्थ के द्वारा कितनी मतलब जो एनर्जी का परसेंटेज है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ऑलमोस्ट 50% जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज कॉल्ड फॉर फिनोमिना व्हेन द रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द एटमोसफियर इज री रेडिएटेड टूअर्ड्स द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ये कहना चाह रहा है कि उस फिनोमिना को क्या कहते हैं जब द रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द एटमोसफियर, एटमोसफियर के द्वारा जब रेडिएशन एब्जॉर्ब की गई थी वो री रेडिएट हो जाती है टूअर्ड्स द सर्फेस ऑफ द अर्थ, तो उस फिनोमिना को क्या कहते हैं, स्मोक, न्यूटन इफेक्ट, डार्विन इफेक्ट या ग्रीन हाउस इफेक्ट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है इसे क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए नेचुरल फिनोमिना दैट हेल्प इन कीपिंग द टेम्परेचर एट द सरफेस वार्म एंड बैलेंस्ड विच इज सूटेबल फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज द रेडिएशन आर री रेडिएटेड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट ऑब्टेन ड्यू टू कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट ऑब्टेन ड्यू टू कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, मतलब ये कहना चाह रहा है कि पेड़ों की कटने के जो कटिंग डाउन का जो रिजल्ट है वो क्या है, प्रोवाइडिंग मोर फ्रेश ऑक्सीजन, प्रोवाइडिंग मोर प्योर वाटर, कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड कॉज इंक्रीज इन द रेन। अगर आप पेड़ों की कंटिन्यू कटाई होती रही तो क्या हो जाएगा, उसकी वजह से कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन, फॉरेस्ट विल विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ नेचर बाय एब्जॉर्बिंग द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, कटिंग डाउन ऑफ ट्री इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल विंचुअली कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द मोस्ट अबंडेंटली फाउंड ग्रीन हाउस गैस, कौन सी है जो मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस कहलाती है, मतलब जिसका परसेंटेज है, जिसका रेशियो ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मैथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट फिर से देख लीजिए, कौन कौन सी गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, विच ऑफ द मोस्ट अबंडेंट फाउंड इन ग्रीन हाउस गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मैथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो है ग्रीन हाउस गैसेज के लिए
वाटर वेपर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, वाटर वेपर। तो इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि वाटर वेपर इज़ द मोस्ट एबंडेंटली फाउंड ग्रीन हाउस गैसेज, इट कंसिस्टिंग अराउंड 35-70% ऑफ ऑल द गैसेज कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट इज रिलेटिवली हाई प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोसफियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। पॉपुलेशन ग्रोथ, जो हमारी जनसंख्या में वृद्धि है, वो इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूशन फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये सही है या गलत, ये ट्रू है या फॉल्स, ये ट्रू है। एक्चुअली पॉपुलेशन ग्रोथ इज एन इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन एंड वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन देर इज एन इंक्रीज इन डिफॉरेस्टेशन एंड इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। दिस रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ ग्रीन हाउस गैस विच देयर बाय कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन, एथेन। तो इसमें कौन सी गैस है? एथेन है, वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when did greenhouse effect discovered? Greenhouse effect को कब discover किया गया था? 1814 में, 1824 से, 1854 में, 1884 में, इसको 1854 में discover किया गया था। The greenhouse effect was first discovered by the Fourier in 1924. Why the temperature inside the car is much warmer than the outside temperature when the car that has been left parked in the sun for a couple of hours? ये पूछना चाह रहा है कि why the temperature of car inside the car much warmer than the outside temperature when the car has been left parked in the सन फॉर ए कपल ऑफ आवर। अगर कुछ घंटों के लिए कार को धूप में खड़ा कर दिया जाए तो जो कार के अंदर का टेम्परेचर है वो इतना कैसे बढ़ जाता है? ड्यू टू एयर पॉल्यूशन, ड्यू टू स्मोक, ड्यू टू सडन क्लाइमेट चेंजेज एंड ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसका आंसर आ जाएगा ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। वैन वी ओपन द डोर ऑफ ए कार दैट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप एक मिनट। Why the temperature inside the car is much warmer? क्यों हो जाएगा? ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के कारण उसका हो जाएगा। When we open the door of a car that has been left parked in the sun for a couple of hours, we notice that the temperature inside the car is much warmer than outside. This is due to greenhouse effect. नेक्स्ट देखिए, ट्रैकिंग द एग्जाम्पल ऑफ ए कार पार्क इन द सन फॉर फ्यू आवर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन टेक प्लेस। अगर कार को धूप में खड़ा किया जाए तो कौन सा एक्शन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है? फर्स्ट देखिए, सनलाइट वंस एंटर द कार थ्रू विंडो इज पार्शियली कन्वर्टेड इंटू हीट। Sunlight once entered the car through window is partially converted into electricity. Sunlight once entered in the car through window is completely absorbed by the car. Sunlight once entered the car through window is partially converted into wind energy. इसमें first option होगा, sunlight once entered the car through window is partially converted into the heat. अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि the window of car allow the sunlight to enter into the car. This light is then partially converted into heat. However, these some window do not allow the heat inside the car to pass through as easily as light.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस गैसेज इंटरेक्ट विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। ये कहना चाहता है कि ग्रीन हाउस गैसेज इंटरेक्ट विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, विंड एनर्जी, सन एनर्जी, एटमोस्फेरिक प्रेशर, पॉल्यूशन इन द एटमोसफियर। इसका आंसर होगा कि सन एनर्जी के साथ होती है उसकी, किसके साथ होती है, सन एनर्जी के साथ होती है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज ड्यू टू द इंट्रैक्शन ऑफ सन एनर्जी विथ ग्रीन हाउस गैसेज सच एज मैथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड फ्लोरिनेटेड गैसेज इन द अर्थ एटमोसफियर। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट अकर्स टू बॉडीज अदर देन अर्थ, ट्रू और फॉल्स। इसकी हो गया ट्रू। द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन टाइटन हैज एन एंटी ग्रीन हाउस इफेक्ट। द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन वेनस इज लार्जर बिकॉज इट्स डेंस एटमोसफियर कंसिस्ट mainly to carbon dioxide because of the evaporation of nitrogen. Pluto is colder than expected. अब next question देखिए। Greenhouse is made up of, किससे बनता है greenhouse? ब्रिक्स, ग्लास, स्टील, कॉपर, ग्लिस। ये ग्लास का बनता है। विच इज द मेन फीडबैक गैस ऑफ द ग्रीन हाउस। ये पूछना चाह रहा है कि उनमें से कौन सी है जो मेन फीडबैक गैस है, किसके लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। इसमें से वाटर वेपर है जो 35% से 70% रेशियो तक रेस्पॉन्सिबल होता है।